बिजली कटों को लेकर पंजाब में हाहाकार मची हुई है, लेकिन ये हाहाकार का कारण रोपड़ व गोइंदवाल थर्मल प्लांट में बॉयलर लीक होना है। बॉयलर लीक होने से पंजाब में बिजली संकट गहराता जा रहा है। पठानकोट में लघु उद्योगपति व कारोबारी बिजली कटों से खासे परेशान हैं। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी ने कहा कि पावर प्लांट की लीकेज की रिपेयर का काम चल रहा है, 2-3 दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे। कल एक दो दिन जो पहला कट लगे है, उन्होंने मेन वजह ही साढ़े जो थर्मल पावर प्लांट आ उन्होंने रोपड़ थर्मल पावर प्लांट आूनिट जो बॉयलर हैगा उस लीकेज आ गई। इदा ही गोबिंदवाल से दो जड़े है उन्होंने यूनिट उन्होंने बॉयलर चेंज आ गई, लीकेज आ गई। इस काम करने 3-4 दिन लगन गए तो फिर जी स्थिति जी पावर कट दी ठीक हो जाएगी। हाँ कोले की सप्लाई भी घट हैगी जड़े है गवर्नमेंट लैवल तो है वो कर रही है गवर्नमेंट, उम्मीद है भी जल्दी कोला भी सॉल्व आ जाऊगा। सू वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल ममून रोड पठानकोट। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9540006113।